नमस्कार, स्वागत है आपका बीसीएन की पेशकश खास मुलाकात में। रिश्तों की शुरुआत जो होती है माँ की कोख से होती है, और ये पहला रिश्ता होता है जब हम दुनिया को समझते हैं। पहली बार आंख खुलते हैं, माँ दिखती है, उस वक्त समझ नहीं पाते शायद कि ये रिश्ता क्या है। लेकिन हम बड़े होते जाते हैं और ये माँ और बेटा या बेटी का जो नाता है गहरा होते जाता है। कहीं ना कहीं यहीं से बाकी रिश्तों की जो है वो श्रृंखलाएं टूटती जाती हैं। इस मां और बेटी के रिश्ते का रिकग्निशन होना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये रिकग्निशन कैसा होना चाहिए इसकी शुरुआत करने की कोशिश नागपुर में होने जा रही है। और ये कैसे होने जा रही है इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मदर्स एंड डॉटर प्राइड ऑफ महाराष्ट्र की शुरुआत करने जा रही है पूनम्स और एनएस डॉटर्स, ये दो वेंचर्स है, इनकी ये सर्वे सर्वा है। पूनम गोकुलपुरे जी और नेहा गोड़पुरे जी, मैं इन दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, मदर्स एंड प्राइड ऑफ महाराष्ट्र का ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? सर, एक्चुअली ये पूनम मैम की खोज है जी। पूनम मैम और मैं एक बार बैठे थे, मेरी रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी मैंने ओपन की है एनएस डॉटर्स करके, और उसकी इंस्पिरेशन ऐसी है कि मुझे ब्रॉन एंड बॉटअप मेरी मदर ने किया है। मैं काफ़ी छोटी थी, शायद 2-3 साल की, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और मेरे लिए हीरो बोले तो मदर ही है। सो आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर। और उसके बाद में पूनम मैम ने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, और वाई नॉट हम लोग मदर्स एंड डॉटर एक एक पेजेंट चालू करें। तो बीइंग वेरी क्लोज टू माई मदर, मुझे ये कंसेप्ट उनका बहुत अच्छा लगा, उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा यस, मैंने पहली ही मीटिंग में उनको हाँ कह दिया था, और फिर वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ, और अब काफी आगे आ गए हैं सर हम लोग। और हम एक एक कैनवास बना रहे हैं जहाँ पर एक माँ अपने बेटी के साथ में कुछ ऐसी चीजें करते हुए दिखेंगे जो आपने एक सपना देखा है। पूनम जी, आपका क्या एक कंसेप्ट था इन सब, ये मदर्स एंड डॉटर प्राइड ऑफ महाराष्ट्र करने के पीछे में क्या आपकी मतलब एक विजन क्या था? मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं काफ़ी दिन से, मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं काफ़ी दिन से मार्केट में जो एज अ गेस्ट और जज जाती थी, तो मैंने देखा कि सब कुछ हो रहा है लेकिन जो कुछ एक सामाजिक रूप से होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए, ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि एक हर जो वुमेन होती है उसकी, जहाँ से जैसे आपने स्टार्ट किया कि एक उत्पत्ति का रीजन जो होती है वो माँ होती है, तो मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र लेवल पे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वुमेन्स को एक्टिव लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स, स्पेशली फॉर वो वुमेन्स जो कुछ करके शांत होकर बैठी हुई है। तो मेरा टारगेट ये था कि महाराष्ट्र लेवल पे हमें एक वुमेन्स को एक स्टेप देनी चाहिए फैशन इंडस्ट्री में, उनको कदम रखवाने के लिए, एंड स्पेशली उनका मेन ये मोटो होना चाहिए कि आगे चल के वो जो छोटे छोटे बच्चों को लेके, जो कई बार ऐसा होता है सर कि बच्चे ना स्टेज भी चढ़ने से डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है वो माँ से कनेक्ट होता है। तो जब हमारा शो होगा तो हमारे शो में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज ये होगी कि बच्चा ऑटोमेटिकली माँ के साथ स्टेज चढ़ेगा, और जब वो माँ के साथ स्टेज चढ़ेगा या चढ़ेगी, या डॉटर जो हमारी जाएगी, उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेज होगा, जो नेक्स्ट फैशन इंडस्ट्री से, यस, ऑटोमेटिकली डेवलप होकर सामने आएगा। स्पेशली मैं उन डॉटर्स को वेलकम करना चाहूंगी और अपने शो में बुलाना चाहूंगी जो अपने माँ को बहुत ज्यादा लव करती है और उनके साथ में कुछ करना चाहती है। आपने एक बात कही आपके, आपने जब जवाब दे रही थी कि जो माँ और बेटी होती है उसमें से माँ जो होती है जो बच्चों को संभालती है, और जो शायद गृहिणी होती है, और मैं तो कहूँगा ऐसी गृहिणियाँ जो फुल टाइम काम वाली होती है, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि ऑफिस में नहीं जाती, लेकिन वो एक ऑफिस में जाने वाली माँ के तरह ही वो भी एक फुल टाइम कार्यकर्ता ही होती है। सर, मेरा मानना है कि हाउसवाइफ वो होती है कि जिनकी आप सैलरी पे ही नहीं कर सकते, और कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, किसी की भी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उनकी पे कर सके, इसलिए वो अनपेड रहती है सर। जी जी, और आपने जो ये बात जो स्टेज की डेयरिंग की वाली बात की थी, उसका जितना उदाहरण भी मैं हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना या स्टेज पर जाने की प्रेरणा मेरी माँ ने ही दी है। जी सर, तो हमारे सभी के जिंदगी में जो है माँ का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा पूनम जी, जब हम एक कोई कंसेप्ट अपने दिमाग में लाते हैं, जैसे आपने ये लाया कि मदर एंड डॉटर प्राइड ऑफ महाराष्ट्र करना है, हाँ सर,
कई सारे चैलेंजेस होंगे, और सबसे पहले तो आपके मन में ये भी सवाल रहा होगा कि ये पार्टिसिपेंट्स कैसे ढूंढेंगे, सबसे बड़ा तो उसको चैलेंज कैसे आपने सर, आगे। क्योंकि देखिए आज के इसमें फैशन इंडस्ट्री ने अभी नागपुर में इतना अच्छा अपना कवर किया है कि जी मैं यदि इससे फैशन शो करती तो शायद आज मेरे पास में 100 के आसपास पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट्स हो होते, जाते थे। आज मेरे पास 40 भी है ना तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं उन 40 मदर्स को वो दे रही हूँ जो आगे आने वाले जो लोग भी मदर डॉटर को लेके सोचेंगे तो वो सबसे पहले मेरे शो का एग्जाम्पल देंगे कि एनएस का जो हुआ था, जो पूनम गोकुलपुरे का जो हुआ था, जो प्राइड ऑफ महाराष्ट्र हुआ था, वैसा कुछ करते हैं। हमारा मेन मोटो है इस शो के जरिए आगे जो हम आने वाले जो फ्यूचर में है इससे भी बड़े लेवल पे कुछ करें। तो ये प्राइड ऑफ महाराष्ट्र है सर, इसे हम इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी जी आपके साथ थैंक में है, और हम भी यू। अपेक्षा करेंगे कि ये जो है आपका मदर्स एंड डॉटर्स प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत आगे तक जाए। नेहा जी, जी जब हम कोई एक कंसेप्ट अपने दिमाग में लाते हैं तो उसका डिजाइन ही होता है, उसका एक थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे फिर ये आइटनरी हम बोलेंगे, जैसे बिल्कुल मुझे अगर मुंबई से जाना है, मुंबई तक जाना है तो मैं कुछ तय करूंगा, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो आपने क्या आइटनरी इसके लिए सेट की? सर, काफ़ी सारे चीज़ें हम लोगों ने सेट किए थे। सबसे पहले तो हमारा था टारगेट कि कंटेस्टेंट्स कैसे लाए। जी काफ़ी वक्त से मैं भी इस फैशन इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई हूँ, पूनम मैम भी हम लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे कई सपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं इस इवेंट्स के साथ में, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और जी ना सिर्फ नागपुर से सर, चंद्रपुर से, नांदेड़ से, मुशी से, ऐसे ऐसे जगह से हम लोगों को कंटेस्टेंट्स मिले हैं। तो वहाँ से हम लोगों को ऑल ओवर महाराष्ट्र से हमको कंटेस्टेंट्स मिले, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ देम। ये तो हुई कंटेस्टेंट्स की बात। जी इसके अलावा भी सर कई सारी चीज़ें लगती है जब हम कोई इवेंट करते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले जगह ढूंढनी थी हमको कि हम लोग ये इवेंट कहाँ करें। जी कई सारे ऑप्शंस थे, बट नक्षत्र बैंकवेट को हम लोग थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें एक अपना वेन्यू दिया। वेन्यू दिया है उन्होंने, और उन्होंने हेल्प करे। और बस सर, धीरे 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 कारवा बढ़ता गया, एक एक चीज़ें जो है हमारे साथ में जुड़ती गई, और आज ये शो जो है हम सब आपके सामने लेकर आ रहे सर हैं। से हमारी बिल्कुल जो समझना राइट भी चाहेंगे कि ये आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि ये इवेंट कब है, कहाँ है, आपने नक्षत्र वेन्यू तो बता दिया, लेकिन जी उसको और डिटेल में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये इवेंट जो है 20 अगस्त को आ रहा है, और 3 बजे से नक्षत्र बैंकवेट में रहेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमारे इवेंट में, और अभी भी कुछ सीट्स है पार्टिसिपेशंस की, तो जितने लोग को पार्टिसिपेट करना है प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए मुझे या फिर पूनम मैम को, और प्लीज इस इवेंट को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाइए। जी थैंक पूनम यू। जी, आप कुछ कह रही थी। राइट सर, मैं अपनी सारी टीम को थैंक यू करना चाहूंगी, जैसे कि हमारे जितनी टीम है, हमारे कोरियोग्राफर्स, हमारे ग्रूमर, हमारे जो डिजाइनर, हमारे जो फ्रेंड सर्कल, हमारा जितना टीम है, जैसे अभी हमसे लिबास जुड़े हैं, जी खुशबू मैम जुड़े हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जुड़े हैं तृप्ति मैम, और हमारे जितने लोग हैं जो हमारे ब्रोशर्स को और हमारे मार्केटिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर, सबको थैंक यू मेरी तरफ से। 20 अगस्त को हमारे सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, कार्तिकेय मालविया जी जो हमारे कलर्स एंड सोनी पे एक लीड रोल में काम करते हैं, और बहुत वो भी एक छोटे से शो से बहुत ऊपर लेवल पे गए हैं, तो उनके फैंस भी आए। हम सारे उनके फैंस को भी इनवाइट करते हैं कि वो ये शो जरूर अटेंड करें। इस शो को मैं उन लोगों को जरूर इनवाइट करना चाहूंगी जो मदर और डॉटर आज भी डर रही है कि हम कैसे करेंगे, तो वो जरूर देखने के लिए भी आए। और इसे अभी हमारे सीट्स सर कुछ है जो पार्टिसिपेट्स के लिए है, बची हुई है, तो वो सीट हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिल हो सके, और सभी को हमारी तरफ से इनविटेशन है, आप सभी आइए। अब बिल्कुल सही बात की आपने, और एक नाम आपका और भी छूट गया जो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों की, जी टीसीएन न्यूज और नागपुर यस मेट्रो समाचार इस पूरे इवेंट का जो है मीडिया पार्टनर है। थैंक यू अभी थैंक यू दर्शक थैंक यू सो मच सी दिलीप, बहुत एन बड़ा थैंक यू फॉर और बीसीएन। हमारे सारे दर्शकों तक आपकी जो शुरुआत से लेके आज भी हम दर्शकों तक यही आपकी बातें लेके जा रहे हैं कि थैंक यू दर्शक इन चीजों को देखें, और जितने भी माँ और बेटियां इन सब चीजों को देख रही, इस इंटरव्यू को देख रही हैं, नेहा जी को और पूनम जी को देख रही हैं, इतने खूबसूरत चेहरे और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस इवेंट को डिजाइन किया हुआ है, तो हम ये मौका नहीं खोना चाहिए, और इस मौके का फायदा उठाते हुए उन माँ और बेटियों ने जरूर इस प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए। ये शिरकत करने के लिए नेहा जी क्या करना पड़ेगा?
आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9630968408। पूनम मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर है। मेरा नंबर है 7745035564। पूनम मेकअप और एनएस की पेज को भी आप फॉलो कीजिए, तो आपको वहां से हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी। और बीसीएन पे भी हम जुड़े हैं, तो हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मदर एंड डॉटर के साथ साथ हमारे पास में मिस, मिस्टर और मिसेस की भी एंट्रीज ओपन है। ये हम लोगों ने इसीलिए ओपन किया ताकि हमारे शो को और चार चांद लग जाए, अट्रैक्शन तो बढ़ाने के लिए हम चाह रहे अट्रैक्शन। थे। बिल्कुल बिल्कुल हम चाह रहे थे कि हमारे शो में एक अट्रैक्शन पॉइंट भी हो यंग क्राउड के लिए, इसीलिए हम लोगों ने मदर डॉटर के साथ उन्हें भी इनवाइट किया हुआ है, तो प्लीज आप उसके लिए भी रजिस्टर कराएं। जैसे इन्होंने कहा था कि एक मिस्टर एंड मिसेस की एंट्री, तो मेरे मन में कुछ देर के लिए भटक तो था रहा, लेकिन अचानक इन्होंने कह दिया कि यंग जनरेशन, तो मैं वैसे ही माइनस नहीं, यू आर ऑलवेज होके वेलकम एंट्री। थैंक यू सर। सो मच। लेकिन बहुत सुंदर प्रयोग आप करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर इवेंट है, और हम चाहेंगे कि नागपुर वासी, और नागपुर ही क्यों, आजू बाजू के सभी महाराष्ट्र जितने लेवल पूरे पे, महाराष्ट्र राइट। लेवल पर ये है, और सबने इसका आनंद लेना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इवेंट होने जा रहा है नागपुर में। चलते चलते मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, वही जहां से शुरुआत की थी, हम अपने जिंदगी में सारे रिश्तों का धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा होता है जिसका हम जीवन भर धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उस रिश्ते का सम्मान करने के लिए ये कोशिश है, जिसके लिए बीसीएन भी मीडिया पार्टनर है, और ये दोनों जो है महिला शक्ति जो है इसको एक आकार देने जा रहे हैं। इनको हम सबकी शुभकामनाएं है, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नागर, बेहतरीन पेशकश नागपुर में एक होने जा रही है, मदर एंड डॉटर्स प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 20 तारीख को होने जा रही है, 20 अगस्त को होने जा रही है, जो कि होने जा रहा है नक्षत्र हॉल में, एम्प्रेस मॉल के पास में। बहुत ही जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं, पार्टिसिपेंट्स भी तैयार हैं, ऑर्गेनाइजर भी तैयार हैं। कुछ चेहरे इस इवेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले से तो परिचित हैं, लेकिन अब इस इवेंट को चार चांद लगाने जा रहे हैं। क्या वो चेहरा है, आज ये आप सुखो, मैं उनसे रूबरू करा था। आज हमारे साथ में है तृप्ति अपरेजा जी, मैं इनका स्वागत करता हूँ। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही प्यारी सी थैंक यू। मुस्कान लिए हमारे साथ में है, और ये मदर एंड डॉटर्स प्राइड ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांड एम्बेसिडर है। कैसा लग रहा है ब्रांड एम्बेसिडर बनकर? थैंक्स, सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगी नेहा को एंड पूनम को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनके प्राइड ऑफ महाराष्ट्र जो मदर एंड डॉटर शो होने जा रहा है उसकी मैं एक फेस बन रही हूँ, एक ब्रांड एम्बेसिडर बन रही हूँ। इसकी मुझे तहे दिल से बहुत खुशी है। हमारे भी शुभकामनाएं आपके साथ में है तृप्ति जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपकी अब तक की जर्नी के बारे में हम बिल्कुल उत्सुकता है हमें जानने की। जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम तृप्ति अपरेजा, जैसे इन्होंने बता चुके हैं, जी मैं भी एक मदर हूँ। मेरी भी एक 14 साल की बेटी और एक 10 साल की बेटी है, एंड मुझे शो में आ करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि हमें आगे बढ़ने का इसमें मौका मिलता है, जो लोग स्टेज फियर होते हैं, मुझे नो डाउट स्टेज फियर नहीं है, बट मेरी बेटी को स्टेज फियर बहुत है। वो नहीं चाह रही थी, बट मैंने उसे बहुत बोला कि तू इस बार मेरे साथ शो कर, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस बार अपनी बेटी को अपने साथ उस इस फैशन इंडस्ट्री में ले करके आ रही हूँ। एंड साथ ही साथ में अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, तो मैं फैशन इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यंग एज में थी तब से मैं मॉडलिंग करती हुई आ रही हूँ, तो फैशन इंडस्ट्री से ऑलरेडी मैं जुड़ी हुई हूँ। और आज मैं इंडियन फैशन एसोसिएशन की मैं मेंबर हूँ, और साथ ही साथ में मैं मेकअप आर्टिस्ट और नेल आर्टिस्ट हूँ। एंड अगर मैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी बोलूँ, तो वो भी मैं काफी सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में। ऑरिफ्लेम जैसी मैंने चीज पे बहुत वर्क किया हुआ है, जहां मैं आज उसके बहुत हाई लेवल पे हूँ। सो इस तरीके से मेरी जर्नी हमेशा से रही है, और हमेशा मैंने यही चाहा है कि मैं जिस फील्ड में भी जाऊं उस फील्ड में मैं सक्सेस हासिल करूँ, टॉप पर रहूं। टॉप पे रहूँ। जी बिल्कुल, आप टॉप पर रहेंगे, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। ये जो इवेंट होने जा रहा है मदर एंड डॉटर्स प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, आप जब इसका अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन करती हैं, आप एक इमेजिनेशन करती हैं, तो क्या समझ में आता है आपको? आप कैसे देखते हैं इसकी तरफ कि क्या होगा इसमें? ये एक यूनिक कंसेप्ट है। जी मैंने आज तक इतने सारे शोज देखे हैं जहां पे मिस्टर मिसेस ये कैटेगरी, मैंने भी मिसेस कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो ग्रेट, जब हम उसमें थे तब हमको तब प्राउड फील होता था। बट जो ये यूनिक कंसेप्ट लेकर गया है, मैं इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरीके का कंसेप्ट अभी तक नागपुर में आया ही नहीं है।
तो ये मुझे बहुत प्राउड मोमेंट देता है कि मैं इसके पार्ट मतलब इसका एक हिस्सा बन रही हूँ। तो जो भी इसमें आएगा, मैं आज भी जो भी मेरे से बात करता है, मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ कि ये एक शो है जो एक अलग इमेज दे रहा है आपको। तो प्लीज आप लोग, जितने भी लोग अभी भी सोच रहे हैं इसको देखने के बाद में कि मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं, मैं आपको कहूंगी कि आप इसको जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये एक आपको एक नए लेवल का एक कॉन्फिडेंस देगा। आप जहां अपनी बच्ची के साथ उस स्टेज पे होंगे और जब आपको आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां आपको देख रही होंगी, सो आइए आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये हमारे साथ में तृप्ति जी थी जो मदर्स एंड डॉटर्स प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसिडर है। मैं ये समझता हूँ कि आप फैशन इंडस्ट्री में है, आप मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन इस इवेंट्स के माध्यम से जहां हम चेहरे की खूबसूरती की बात करते हैं, जहां हम अपने डॉटर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके अंतर्मन को भी मेकअप करने की बात कर रहे हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो अपनी आंतरिक जो शक्ति होती है उसको एनहांस कर सके, उसको जमाने के साथ ला सके। आपको और आपकी पूरी टीम को बीसीएन की तरफ से, बीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार इसका मीडिया पार्टनर भी है, हम सबको आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्यारे से इवेंट में जरूर शिरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू बीसीएन ग्रुप। थैंक यू सो मच।